हैं और आपको बताते हैं कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की तर्ज पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बनाई गई जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। और दावा किया गया है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में यूएई से एक शख्स को लाकर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया है। एसआईए की तरफ से टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के अंदर यूएई से डिपोर्ट किए गए शख्स को गिरफ्तार किया है, और उस शख्स की शिनाख्त फारूक अहमद नायकू इलियास फारूक टेंडोलकर उर्फ उमर के तौर पर हुई है। और यह पहला मौका होगा जब टेरर फाइनेंस मामले को लेकर किसी को वहां से लाया गया हो डिपोर्टेशन के जरिए से और यूनाइटेड अरब इमारात से लाकर दिल्ली में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई हो। एक तरफ से यह खबर है, दूसरी तरफ से खबर यह भी है कि चार मजीद मिलिटेंटों के चार शीट भी दायर कर दिए गए हैं, जिनमें एक मिलिटेंट पर यह भी इल्जाम है कि वो रिक्रूट कर रहा था, यानी वो भर्ती अमल में, मिलिटेंसी भर्ती अमल में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले जरा एसआई की खबर को डिटेल के साथ समझिएगा। जिस शख्स का नाम हमने आपको बताया फारूक अहमद नायकू उर्फ टेंडोलकर उर्फ उमर, इसका ताल्लुक ख्वाजा साहब बारामुल्ला से है, ख्वाजाबाग बारामुल्ला से है, और इसको आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर यह इल्जाम है कि यह मुलविस है जी उस एफआईआर के अंदर जो एफआईआर नंबर 73/2022 पुलिस स्टेशन गांधीनगर जम्मू के अंदर दर्ज करवाई दी गई थी, और वो जेर तफ्तीश है, और जेर तफ्तीश एजेंसी जम्मू की है, यानी एसआईए जम्मू इसको तफ्तीश कर रहा है। और इसी तफ्तीश के दौरान जब यह पता लगा कि फारूक इसमें मुलविस है, इसको डिपोर्ट कराया गया, वहां से मुल्क से वापस लाया, यूएई से वापस लाया गया, और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको याद होगा कि साबिक वजीर जितेंद्र सिंह और बाबू सिंह, जिसका नाम है बाबू सिंह मिनिस्टर जिसे कहते हैं, वो गिरफ्तार हुआ था, और उसकी गिरफ्तारी के दौरान कुछ चीजें बरामद हुई थी, जिसमें एक शख्स भी, कुछ चीजें बरामद हुई थी जिनकी तहकीकात हुई, और कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए थे। एक शख्स जो गिरफ्तार हुआ था मोहम्मद शरीफ शाह, जो कश्मीर से ताल्लुक रखता था, उनसे जब मजीद तफ्तीश की गई, मजीद पूछताछ की गई, तो उन्होंने इस पूरे मामले के कुछ और एंगल खोले कि प्रो पाकिस्तान और इंडियन एंटी इंडिया एस्टैब्लिशमेंट कहां से काम करती है, क्या कुछ करती है। सारी लिंक्स को मिलाने के बाद ही यूएई का लिंक सामने आया, जिसके बाद इसकी वहां से वापसी लाई गई और बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी कर दी गई है। एक तरफ से ये एसआईए की बड़ी कामयाबी के तौर पर माना जा रहा है। दूसरी तरफ से एक चार्जशीट पेश किया गया जी, जो चार्जशीट हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट अब्दुल रशीद उर्फ अरसलान, जो डोडा का है, ये गिरफ्तार हुआ था और ये ट्रेनिंग भी कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ सरताज अहमद इलियास डॉक्टर सुहेल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। और अहमद और ये जो जनाब थे, ये माना जा रहा कि कई अहम केसेस में मुलविस थे, डोडा पुलिस को भी मुलविस थे, और फाइनली एफआईआर के दौरान कुछ चीज़ें जो वो सामने आई है, जिसमें चार्जशीट भी अब दाखिल कर दिया गया। तो सबसे बड़ी खबर कि एसआईए ने टेरर फंडिंग मामले में एक बड़ी कामयाबी की है, जो दावा किया जा रहा है, और दावा ये किया जा रहा है कि यूएई से हमने जी डिपोर्टेशन करवाई है और गिरफ्तारी की है फारूक अहमद फारूक अहमद नायकू उर्फ फारूक टेंडोलकर उर्फ उमर की, जो इंतहाई मतलूब तरीन था, और दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी मुकम्मल हो चुकी है।